मुझे तिजारती सफर की गरज से गैर मुल्क पर जाना है और सफर की तैयारियों में मसरूफ हूँ। रवानगी की तारीख करीब आ रही है और मेरे एक अच्छे दोस्त मोहन ने मशवरा दिया कि मैं ट्रैवल बीमे का मंसूबा बना लूँ। वक्त गुजरने के साथ मैंने इंटरनेट के जरिए पॉलिसी के लिए दरखास्त देने का फैसला कर लिया। राधा, मुझे बहुत सारी पैकिंग करना है, क्या तुम इंटरनेट पर मेरे लिए ट्रैवल बीमा पॉलिसी ढूंढने में कुछ मदद करोगी? सर्च इंजन की मदद से तलाश करके कुछ तफसीलात तो दे दो। हाँ रंजन, इंटरनेट पर तो बहुत सारी तफसीलात हैं। इस वेबसाइट पर देखो, बहुत सारी ट्रैवल बीमा पॉलिसियों के ऑफर्स हैं, हमें सेलेक्ट करना है बस। बहुत खूब, सबसे सस्ता वाला मुंतखब कर लो और ये काम भी जल्दी से कर लें। रुको एक सेकंड, मुझे मोहन से चेक कर लेने दो। अरे मोहन, राधा और मैं इंटरनेट पर ट्रैवल बीमा पॉलिसी चेक कर रहे थे। यहाँ तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अलग अलग बीमा कंपनियों की मुख्तलिफ पॉलिसियाँ ऑफर कर रही हैं। हम मुंतखब ही नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ी सी तशवीश भी है कि कौन सा मुंतखब करें। क्या तुम ब्रोकर की वेबसाइट पर तलाश कर रहे हो? क्या कंपनी के नाम में ब्रोकर लफ्ज शामिल है? अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लफ्ज ब्रोकर तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद ये कोई खास पोर्टल है जिसमें बीमा पॉलिसियों के बारे में जानकारी बताई गई है। रंजन, बीमा रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA ने ऐसे पोर्टल की रजिस्ट्रेशन के लिए हिदायत जारी की हैं। इन्हें वेब एग्रीगेटर्स कहा जाता है। ऐसा कोई भी पोर्टल जिस पर तुम तलाश कर रहे हो वो कानूनी तौर पर IRDA से रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसी ऐसे पोर्टल या वेबसाइट के जरिए पॉलिसी की दरख्वास्त मत देना जो IRDA से रजिस्टर्ड ना हो। याद रखिए, IRDA से लाइसेंस याफ्ता वेब एग्रीगेटरी ही मुख्तलिफ बीमा कंपनियों के जरिए दी जाने वाली बीमा पॉलिसियों से मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं।